नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थोर और थोर की मूवी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानेंगे, जो कि हमको शायद मूवीज में बताए नहीं गए या फिर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए गए। जैसे कि थोर रैग्नारोक में हेला सट्टा से इतनी आसानी से कैसे हार जाती है, थोर एमसीयू में कितना फास्ट है, थोर को कैसे पता चला कि फाइट वाकांडा में हो रही थी, हेला ने मिलियनर को कैसे तोड़ दिया, और एंड गेम में थोर को ऐसा क्यों लगा कि अब वो अनवर्दी हो गया है, और ऐसे ही और क्वेश्चन के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सवाल जवाब की सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेला रैग्नारोक में सैटर से इतनी आसानी से कैसे हार गई। तो गाइस, थोर रैग्नारोक में हमें सैटर के दो वर्जन दिखते हैं। फर्स्ट वर्जन जो हमें दिखा वो थोर रैग्नारोक के स्टार्टिंग में दिखा, वो काफी वीक सैटर था क्योंकि सैटर की मेन पावर है इटर्नल फ्लेम, और ओडिन ने इटर्नल फ्लेम सैटर से लेकर अपने वोट में रखी हुई थी, और इटर्नल फ्लेम के ना होने की वजह से सैटर बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए ये सैटर थोर से बहुत ही इजली तरीके से हार गया। और अगर हेला भी सैटर से लड़ती तो वो भी बड़े आराम से सेटर को हरा देती। और यही थोर और सेटर की बातचीत में सेटर कहता है कि जब उसके क्राउन को इटर्नल फ्लेम में रखा जाएगा तब वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर जब मूवी के लास्ट में हमें जो सेटर दिखा वो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल था, और उसके पास थी उसकी स्कोर जो उसे और ज्यादा पावरफुल बना रही थी, और इसी वजह से सेटर ने हेना और एसगार्ड को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सेटर को सिर्फ ओडिन ही हरा सकते थे क्योंकि ओडिन ने ही सेटर से इटर्नल फ्लेम ली थी और उसे अपने बोट में रख दिया था, और सेटर ने इटर्नल फ्लेम बड़े प्यार से तो नहीं दी होगी, जरूर ओडिन ने उसे फाइट की होगी और सेटर को फाइट में हरा के उसे इटर्नल फ्लेम ले ली होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि इन्फिनिटी वॉर में थोर को कैसे पता चला कि फाइट वकांडा में हो रही थी। वैसे तो मुझे लगता है कि एमसीयू के प्लॉट होल में से एक प्लॉट होल है, मगर मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर ने तो कुछ और ही जवाब दिया, जो कि एक थोर को पहले से ही पता था कि इन्फिनिटी स्टोन अर्थ पर मौजूद है, तो उसी बात को जज करके वो वकांडा आ गया था। मगर दोस्तों, ये आंसर तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाता, तो हमें इसका आंसर खुद ही ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो गाइस, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि थोर को स्टोन ब्रेकर की पावर की हेल्प से थोर को ये पता चल गया हो कि बैटल वकांडा में हो रही थी और इसी वजह से वो वकांडा पहुंच गया। लेकिन अगर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थोर इन चीजों को सेंस कर सकता है, तो जब थेनोस ने टाइम स्टोन का यूज करके विजन को जिंदा किया था या वांडा ने माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया था, तो वो इन चीजों को सेंस क्यों नहीं कर पाता। इसलिए मेरे पास एक और सेकंड पॉसिबिलिटी भी है, और वो ये है कि रॉकेट ने ट्रैक किया हो जिससे उसे पता चल गया हो कि बैटल कहां हो रही थी, क्योंकि रॉकेट के पास हमेशा इस तरह के गैजेट होते हैं, और इन्हीं का यूज करके रॉकेट ने थोर को ये बता दिया हो कि बैटल वकांडा में हो रही है, और इसके बाद थोर, रॉकेट और ग्रूट ये लोग सब वकांडा पहुंच जाते हैं। मगर फिर भी इस आंसर का कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे पाया है कि थोर को कैसे पता चला कि अब उसको कहां जाना है। गाइस, अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की कि एमसीयू में थोर कितना फास्ट है। तो गाइस, थोर फाइटिंग, रिएक्शन, फ्लाइंग, स्पीड में एमसीयू का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। थोर वन में थोर ने डिस्ट्रॉय की विंग्स को बड़े इजीली तरीके से ब्लॉक किया था, जो कि बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है और क्विक सिल्वर साउंड की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल कर सकता है। और एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन की इस सीन में थोर अकेले ही ऐसा एवेंजर था जिसने क्विक सिल्वर को भागते हुए देखा था, और भागते हुए नहीं बल्कि उस पर अपने मिलियनर की हेल्प से अटैक भी किया था। और थोर रैग्नारोक में थोर ने हेला के ब्लेड्स को भी सम्मान दिया था, जिस पर हमें थोर की रिएक्शन स्पीड भी पता चलती है। बेशक थोर फास्ट स्पीड से दौड़ ना पाता हो, मगर फिर भी वो बाकी एवेंजर के मुकाबले में काफी ज्यादा फास्ट है। थोर रैग्नारोक मूवी का यह सीन देखकर हम सब फैन बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि हेला ने थोर के मिलियनर को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरी मूवी में भी ये बात कभी भी नहीं बताई, ना ही इसके बारे में अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। हाँ, मूवी देखते टाइम ये लगता है कि हेला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसलिए उसने हैमर को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एमसीयू में हेला से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर मौजूद है। तो क्या वो भी हैमर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर हेला ने हैमर को कैसे डिस्ट्रॉय किया? इस सवाल की बहुत सी थ्योरी मौजूद है, और जो थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम इस वीडियो में केवल उनकी बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली थ्योरी ये है कि ओडिन ने हैमर पर स्पेल तो किया था, मगर उनके डेथ के बाद उनके जितने भी स्पेल थे वो सबके सब खत्म हो गए, इसलिए हेला भी वापस आ गए और इसलिए हैमर पर किया गया स्पेल भी खत्म हो गया। वैसे तो ये एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है और बहुत से लोग इस पर ही विश्वास करते हैं, मगर मुझे ये थ्योरी सही नहीं लगती क्योंकि ओडिन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से स्पेल किए होंगे, तो क्या वो सारे के सारे स्पेल उनके डेथ के साथ खत्म हो गए? तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि ओडिन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत से क्रिएचर और बहुत से विलन को अपने स्पेल और अपने पावर की हेल्प से कैद किया है, तो क्या वो सब लोग भी आजाद हो गए? इसलिए ये थ्योरी ठीक नहीं लगती। और इसके बाद ये थ्योरी है कि मिलियनर थोर से पहले हेला के पास था, इसलिए हेला ने मिलियनर को उठाया नहीं बल्कि उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक बार मिलियनर का ओनर बन गया वो हमेशा उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्वल कॉमिक में थोर कभी भी अनवर्दी नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं तीसरी थ्योरी की। तो गाइस, जब हेला मिलियनर की ओनर थी तब से ही उसे
मिलियनेयर के बारे में सब कुछ पता होगा और मिलियनेयर की क्या क्या वीकनेस है ये भी उसे पता होंगी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हेला का पावर सोर्स है डार्क मैजिक, और हेला का डार्क मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है जो कि शायद मिलियनेयर पे लगा स्पेल को भी ओवर पावर्ड कर सकता है, क्योंकि ओडिन ने भी हेला को बहुत ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल किया था। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे हेला ने केवल मिलियनेयर को उठाया नहीं बल्कि उसे पकड़ा हुआ था, और थोर हैमर को वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा था और मिलियनेयर भी थोर के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर हेला के डार्क मैजिक की वजह से वो वापस नहीं जा सकता था। तो ये है कुछ रीजन या थ्योरी जिसकी वजह से हेला ने थोर के मिलियनेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप कमेंट में बताओ आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है। तो भाई साहब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन ये है कि एंड गेम में थोर को ऐसा क्यों लगा कि अब वो अनवर्दी हो गया है। और एंड गेम में जब थोर ने मिलियनेयर को लिफ्ट किया था तो उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों दिख रहे थे, मतलब वो हैरान था क्या वो अभी भी वर्दी है, तो ऐसा क्यों लग रहा था उसे। थोर ने तो ऐसा कोई सा काम नहीं करा जिससे कि वो अनवर्दी हो गया हो, फिर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो अब अनवर्दी हो गया है। तो गाइस इसका रीजन ये है कि इन्फिनिटी वॉर में पूरे यूनिवर्स की हार्म पॉपुलेशन के डेथ का जिम्मेदार वो खुद को मानता था, और उसे लगता था कि थेनोस के सर पर वार ना करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो सब उसी की वजह से हुई है। इसलिए जब उसने एंड गेम में हैमर को लिफ्ट किया था तो उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों दिख रही थी, क्योंकि जिस बात से वो डर रहा था वो बात तो सही नहीं है और वो अभी भी वर्दी है। और गाइस हम भी ये जानते हैं कि थेनोस के सर पर वार करना थोर की गलती नहीं थी, वो तो बस डिप्रेशन की वजह से ऐसा सोच रहा था। तो गाइस ये थी वीडियो थोर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो हमें मूवीज में बताए नहीं गए या फिर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए गए। आई होप आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे थे थोर से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए होंगे और आपने इस वीडियो में बहुत ज्यादा एंजॉय करा हो। अगर आपने इस वीडियो में एंजॉय करा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मुझसे वीडियो में अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दें जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन और सबसे पहले मेरे वीडियो को देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।